आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। महविश मसूद रावलपिंडी से पूछती हैं, नाखून कितने बढ़ा सकते हैं? मुझे एक आलिमा ने कहा है कि आप जितने लंबे चाहे नाखून बढ़ा सकती हैं और इस पर पॉलिश भी लगा सकती हैं, मगर शर्त यह है कि आप वुज़ू और गुसल में नाखूनों के अंदर पानी पहुंचा सकें। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि नीम हकीम ख़तरा जान, तो नीम आलिमा ख़तरा ईमान वाली बात है ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में नाखूनों को और जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनको काटने का हुक्म दिया है, और ये तग़य्युर ख़ल्क़िल्लाह भी है। क़ुरान मजीद में अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का इरशाद है कि शैतान ने कसम उठाई थी अल्लाह के सामने कि ऐ अल्लाह कि मैं इनको तेरी तख्लीक़ से दूर कर दूँगा, फ़ला युग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह, ये तेरी बनाई हुई तख्लीक़ को तब्दील करेंगे। तो इंसान की जो अल्लाह ने नेचर बनाई है वो नाखूनों को काटना और गैर ज़रूरी बालों को छोटा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 10 चीज़ें पैगम्बरों की फ़ितरत हैं, पैगम्बरों की सुन्नत हैं। और एक हदीस में ये भी आता है कि ये खिसाल फ़ितरत में से हैं, यानी नेचर में से हैं। तो ये इंसान की नेचर अल्लाह ने बनाई। उन 10 चीज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी बढ़ाने को, मूछें घटाने को, और बगलों के बाल नोचने को, और ज़ेर नाफ़ बाल साफ़ करने को, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाखूनों के काटने को भी फ़ितरत करार दिया। तो ये इंसान की नेचर है कि वो नाखून नहीं बढ़ाता, और वरना ये दरिंदगी है। तो आप पर फ़र्ज़ है, लाजिम है कि आप नाखूनों को छोटा रखें। ये जो आजकल ख़वातीन में नाखून बढ़ाने का फ़ैशन चल पड़ा, ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। हाँ, अगर आपके नाखून बढ़े हैं तो एक अलग गुनाह है, और अगर उसमें नेल पॉलिश लगाई जा रही है जिससे पानी नाखूनों में नहीं जा रहा तो एक अलग गुनाह है। तो नेल पॉलिश के अलावा कोई और कलर इस्तेमाल किया जा सकता है, और गुसल में भी बाज़ दफ़ा फ़र्क पड़ जाता है, नाखून बड़े होते हैं उसमें मैल जम जाता है तो फिर गुसल नहीं होगा। तो लेकिन अगर कोई इन तमाम चीज़ों का ख्याल करे, कोई खातून नाखून बड़े हुए हों फिर भी वो सफाई का अहतमाम करें कि ताकि गुसल भी हो सके और उनके अंदर मैल भी ना जमा होने दें, और ऐसी पॉलिश भी इस्तेमाल ना करें जो पानी से रुकावट बनती है, इसके बावजूद भी नाखून बढ़ाना नाजायज़ हराम है। तो नाखून छोटे ही रखने पड़ेंगे। और ये भी ख़वातीन को समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई हुस्न व जमाल नहीं है। हर उल्टी चीज़ जो यूरोप हमारे सामने पेश कर दे और हम उसे लेना शुरू कर दें, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं होता। अल्लाह ताला ने नाखूनों के काटने में ही खूबसूरती रखी। और मैं हैरान होता हूँ, बड़े बड़े नाखूने खा कैसे रहे हैं आप, कैसे, यानी लैपटॉप पे बटनों का इस्तेमाल कैसे होता है। मैं एक दफ़ा जहाज़ में था, मेरे साथ कोई खातून थी, इतने बड़े बड़े छुरे जैसे नाखून, तो वो मैं देख रहा था कि उनको लैपटॉप के इस्तेमाल करने में अच्छी खासी टेंशन हो रही थी। तो ये भी अपने आप को एक अजाब में डाला हुआ है कि ना आप लैपटॉप पे कीपैड के बटन दबा सकते हैं, ना आप खाना, जब आप खाएंगे तो आपके नाखून उसमें जो छुरों की तरह जो नाखून है वो डूब रहे हैं, और चलते फिरते वो नाखून लग जाते हैं। तो ये क्यों अपने आप को इतनी मुसीबत में डाला हुआ है, ऐसा क्या फ़ैशन है ये? तो नाजायज़ है, हराम है। और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो चिपके हुए होते हैं इंसान के साथ। बाज़ दफ़ा इंसान कोई गुनाह करता है, तौबा कर लेता है, वो गुनाह ख़त्म हो जाता है, यानी सच्ची तौबा करता है। लेकिन ये गुनाह ऐसा है, दाढ़ी काटने का गुनाह या नाखून बढ़ाने का गुनाह, ये गुनाह तो 24 घंटे आपके साथ चिपका हुआ है। तो इससे इज्तिनाब बहरहाल ज़रूरी है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।